Okay, chapter number 5, it is related to the transient and steady state response of a system. That is, जो system अभी हम बात कर रहे हैं, कोई भी हो सकता है system, जैसे अब हम control system के हिसाब से अगर बात कर रहे हैं, तो electrical, mechanical, aerospace का कोई system, कोई भी model, बेशक वो कोरोना वायरस का model हो, बेशक वो आपके किसी business model का कोई mathematical equation हो, कोई भी equation, कोई भी system है, वो अब आपके पास एक transfer function की form में आ जाता है. अब तक जो हम पढ़ते आए हैं उसमें हमने देखा है कि ट्रांसफर फंक्शन हम कैसे बना सकते हैं, किस तरह से हम उसका मैथमेटिकल मॉडल बनाते हैं, किस तरह से हम उसका स्टेट स्पेस मॉडल बनाते हैं, ठीक है. और इसी तरह से हमने ये भी पढ़ लिया आखिर में आके कि हम अपना हमारा कोई नॉन लीनियर सिस्टम है तो उसको लीनियर कैसे बनाएंगे, क्योंकि अब हम जो भी स्टडी करने लगे हैं वो लीनियर सिस्टम के हिसाब से करने लगे हैं. तो लीनियर सिस्टम जो है वो हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है, तो अब हम उस लीनियर सिस्टम को कैसे हैंडल कर सकते हैं, उस लीनियर सिस्टम को उसके ऊपर हम उसको कैसे चेक कर सकते हैं कि वो सिस्टम ठीक है, कि कैसा है, उसमें क्या प्रॉब्लम है. जिस तरह आजकल किसी भी डॉक्टर के पास आप जाएं तो डॉक्टर ने सबसे पहले क्या करना होता है, आपके सिस्टम को चेक करना होता है, आपको चेक करना होता है. कोई ना कोई टेस्ट होते हैं जिसकी बेसिस पे वो कोई ना कोई आपके बारे में बताता है कि आपको ये बीमारी है या आपको ये मसला हो सकता है, या क्या कहते हैं आपके सिस्टम की परफॉर्मेंस या आपकी बॉडी की परफॉर्मेंस कहाँ पर जाके कोई प्रॉब्लम आ रही है या कोई इशू है. जिस तरह एक नॉर्मल डॉक्टर जो है वो टेस्टिंग परफॉर्म करता है, आपकी परफॉर्मेंस को इवेल्यूएट करने के लिए उसके पास टूल्स होते हैं, उसी तरह से हम कंट्रोल सिस्टम में जब भी हमारे पास कोई सिस्टम आया करेगा तो उस सिस्टम के लिए, उस सिस्टम को सबसे पहले हम जब देखेंगे तो सबसे पहले हमें उसको देखना होगा कि इसकी परफॉर्मेंस क्या है. परफॉर्मेंस का मतलब क्या है कि ये सिस्टम है क्या, इसमें अगर कोई प्रॉब्लम है तो क्या प्रॉब्लम है. प्रॉब्लम कैसे पता चलेगी, वो प्रॉब्लम ऐसे पता चलेगी आपको कि आप सबसे पहले देखेंगे कि उस सिस्टम की परफॉर्मेंस क्या है, उसकी वो किस तरह से चीज़ों को रिस्पॉन्ड कर रहा. अब रिस्पॉन्ड करने के लिए जाहिर है कि आप लोगों को सबसे पहले कोई ना कोई टेस्ट सिग्नल बनाना पड़ता है. टेस्ट सिग्नल कौन से होते हैं, यूजली हम ये रिकमेंड करते हैं बीइंग कंट्रोल इंजीनियर कि आपका जो भी टेस्ट सिग्नल हो वो टेस्ट सिग्नल जो है वो आपके एनवायरनमेंट, जिस एनवायरनमेंट में उस कंट्रोल सिस्टम ने ऑपरेट होना है उस सिस्टम के हिसाब से वो टेस्ट सिग्नल हो, ताकि हमें पता चल जाए कि वो टेस्ट सिग्नल जो है वो उसके मुताबिक जहाँ पे उसने ऑपरेट करना है तो वो सिस्टम वहाँ पे जाके कैसे बिहेव करेगा. फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई सिस्टम जो है वो आपने चलें पहले बात करते हैं टेस्ट सिग्नल हैं कौन कौन से. तो टेस्ट सिग्नल की अगर मैं बात करूँ तो हमारे पास डिफरेंट तरह के टेस्ट सिग्नल्स हो सकते हैं, मतलब साइनोसाइडल हो सकता है, ठीक है, साइन हो सकता है, कॉस फंक्शन हो सकता है, ठीक है, साइनोसाइडल सिग्नल हो सकता है, रैंप होता है जी आपके पास. रैंप कौन सा सिग्नल होता है, जो आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज हो रहा होता है, ठीक है. साइन कौन सा होता है, पीरियोडिक होता है, ठीक है, वेरिएबल वेरी करता रहता है और पीरियोडिकली चेंज हो रहा होता है, ठीक है. मतलब एक खास पीरियड के हिसाब से अपने आप को रिपीट कर रहा होता है. इम्पल्स हो सकता है, ठीक है, इम्पल्स हो सकता है आपके पास. इम्पल्स कौन सा होता है कि मतलब पहले जीरो अचानक से एक आपने कोई पल्स दे दी, तो ये आपका बहुत छोटी सी पल्स दे दी आपने किसी भी किस्म की, ठीक है, तो ये इम्पल्स सिग्नल हो गया. कि अचानक से कोई फोर्स आएगी, अचानक से कोई डिस्टर्बेंस आएगी तो आपका सिस्टम उसको कैसे बर्दाश्त करेगा. इसी तरह से बहुत सारे और सिग्नल हो सकते हैं जो वेरी करेंगे हमारे पास. अच्छा, एक और बहुत ज़्यादा कॉमन सिग्नल होता है जिसको हम स्टेप सिग्नल कहते हैं, स्टेप रिस्पॉन्स. ये स्टेप बहुत ज़्यादा आपने सुना होगा, मतलब यूनिट स्टेप या कोई भी एम्पलीट्यूड की स्टेप हो सकती है. तो क्या है, जिस सिस्टम एक खास वैल्यू पे होगा दैट इज़ ज़ीरो, उसके बाद आपने अचानक उसकी स्टेप थी तो आपने उसको इंक्रीज कर दिया और वो एक जगह पे जाके कांस्टेंट हो गया, ठीक है. तो अब आप देखें तो बहुत दफ़ा आपको नज़र आएगा जितने भी सिस्टम हैं उनकी परफॉर्मेंस नॉर्मली स्टेप के हिसाब से देखी जा रही है, लेकिन ज़रूरी नहीं है. रैम भी हो सकता है और क्या कहते हैं इम्पल्स भी हो सकता है, साइनोसाइडल सिस्टम इनपुट भी हो सकती है, ठीक है. अब ये जो आपके पास इनपुट्स हैं इनको आप कैसे हैंडल करते हो या इसको कैसे आपने देखना होता है, उसके लिए इम्पोर्टेंट है आप इसको चेक करोगे कि कौन सा वाला टेस्ट सिग्नल मैं अपने सिस्टम पर लगाऊँ. तो उसके लिए बेस्ट तरीका ये होता है कि आप विजुलाइज करते हो कि ये सिस्टम ऑपरेट कहाँ होना है. फॉर एग्जांपल अगर एक सिस्टम जो है वो ओशन में या समंदर में जाके उसने ऑपरेट होना है, तो समंदर में जा रहे आपको पीरियोडिक किस्म की इनपुट नज़र आती है, पीरियोडिक किस्म की डिस्टर्बेंस नज़र आ रही होती है, यानी कि एक वेव्स बन रही हैं. तो वो क्योंकि जो वेव्स बन रही होती हैं तो वो पीरियोडिक इनपुट है, तो आप जो है वो अपने पीरियोडिक सिस्टम यानी कि साइनोसाइडल इनपुट दे सकते हो.
अगर आप देखो तो रैंप रैंप में क्या करेक्टरिस्टिक है, आहिस्ता 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 जाके आपका सिग्नल जो है एम्पलीट्यूड इंक्रीज कर रहा होता है टू सर्टन वैल्यू, जाहिर है कि इनफाइनाइट नहीं हो सकती, लिमिटेड वैल्यू होगी, ठीक है। इसी तरह से इम्पल्स में देखो तो आपके पास क्या है, अचानक से सिग्नल ऊपर जा रहा है फिर अचानक वापस आ रहा है, ठीक है, थोड़े से देर के बाद। अब अगर आप इस स्टेप को गौर से देखो तो स्टेप में क्या क्या करेक्टरिस्टिक है, स्टेप में देखो कि यहाँ से आ रहा है ये पहले जीरो था, अचानक से ये ऊपर इंक्रीज होता है। तो अगर आप देखें अचानक से ऊपर इंक्रीज होने का मतलब तो ये इम्पल्स वाली प्रॉपर्टीज तो इसके अंदर मौजूद हो गई, ठीक है, इम्पल्स वाली प्रॉपर्टीज आ गई कि अचानक से जो है वो सिस्टम में कोई डिस्टर्बेंस आएगी, ठीक है। रैंप, क्योंकि रैंप को अगर मैं कहूँ तो ये बहुत थोड़ी थोड़ी एम्पलीट्यूड इंक्रीज हो रहा है, यानी कि अगर मैं रैंप की बात करूँ तो रैंप शायद इस तरह से आ रही हो इसके इसके मुकाबले में। तो अगर कोई सिस्टम जो है वो इम्पल्स सॉरी स्टेप की खास हाई एम्पलीट्यूड है ना, बहुत ज़्यादा एकदम से बहुत ज़्यादा एम्पलीट्यूड इंक्रीज कर गया, अगर वो सिस्टम इसको बर्दाश्त कर सकता है तो ज़ाहिर है रैम का एम्पलीट्यूड आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज़ हो रहा है तो ज़ाहिर है ये भी बर्दाश्त कर लेगा इसको, ठीक है। इसी तरह से अगर आप साइनोसाइडल को देखो तो साइनोसाइडल में भी एक अचानक से एम्पलीट्यूड इंक्रीज नहीं हो रहा, बल्कि क्या हो रहा है आहिस्ता 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 ऊपर जा रहा है फिर नीचे आ रहा है। तो अगर कोई सिस्टम यहाँ से इम्पल्स ऊपर की सॉरी स्टेप ऊपर की तरफ जाता है तो ज़ाहिर है स्टेप नीचे की तरफ भी आ सकता है, दोनों तरह की होती है, क्योंकि नॉर्मली आप जो भी सिस्टम बनाते हो जो भी है अगर वो पॉजिटिव इम्पल्स पॉजिटिव एम्पलीट्यूड को हैंडल करने की करेक्टरिस्टिक रखता है तो इसका मतलब है वो नीचे मतलब नेगेटिव एम्पलीट्यूड को भी हैंडल करने की उसके अंदर वो कैपेबिलिटी मौजूद होगी। तो मोस्टली अगर आप देखें तो जो टेस्ट सिग्नल हम यूज़ करते हैं अपने कंट्रोल सिस्टम में वो इसी वजह से स्टेप होता है। इसकी एक और वजह भी है कि हम स्टेप ही क्यों यूज़ करते हैं, इम्पल्स या रैम क्यों नहीं यूज़ करते, वो मैं थोड़ा सा आगे चल के आपको बताऊंगा कि वो उसकी वजह क्या है। तो टिपिकली हम जो है वो स्टेप रिस्पांस की तरफ आते हैं अपने सिस्टम के। अच्छा, अगर मैं सिस्टम की बात करूं तो कंट्रोल सिस्टम में जब भी आपको सिस्टम का रिस्पांस नज़र आएगा तो उसमें दो करेक्टरिस्टिक होती हैं। एक रिस्पांस होता है आपका जी जिसको हम ट्रांजिएंट रिस्पांस कहते हैं। व्हाट इज़ अ ट्रांजिएंट रिस्पांस? ट्रांजिएंट रिस्पांस क्या होता है जी? ट्रांजिएंट रिस्पांस होता है आपका कोई भी एक सिस्टम पहले एक इनिशियली स्टेबल पोजीशन में या स्टेबल स्टेट में होता है, फिर कुछ जब आप उसके ऊपर डिस्टर्बेंस अप्लाई करते हैं तो कुछ देर के बाद जो है वो एक और स्टेडी स्टेट में पहुंच जाता है, ठीक है। अगर आप देखें तो दो मैंने लाइनें लगाई हैं, ये दोनों स्टेडी स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है एक आपका रिस्पांस हो गया ट्रांजिएंट और दूसरा हो गया आपके पास स्टेडी स्टेट। स्टेडी स्टेट क्या होता है कि आपका रिस्पांस जो है वो चेंज नहीं हो रहा, ठीक है। अब स्टेडी दो स्टेडी स्टेट स्टेट में पहुंचने के दरमियान वो जितनी भी ट्रांजिशन में जा रहा होता है दैट इज नोन एज द ट्रांजिशन, और इसी वजह से इसको हम कहते हैं कि ये इसका सिस्टम का ट्रांजिएंट रिस्पांस है। तो अगर आप देखें तो आपको मोस्टली जिस तरह के रिस्पांस नज़र आते हैं वो आपको इस तरह से कुछ नज़र आ रहा होता है। तो अगर आप देखें तो ये एक स्टेडी स्टेट थी, ये उसकी दूसरी स्टेडी स्टेट है, दरमियान में जिस तरह की भी चीज़ आ रही है जिस तरह से भी वो वेरी कर रहा है, ठीक है, जो उस एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाने के लिए उसके अंदर जितनी भी चेंजेस आ रही हैं दैट इज़ नोन एज दी ट्रांजिएंट रिस्पांस, ठीक हो गया जी। अच्छा, उसके बाद अगर आप देखें तो जो भी आपका सिस्टम होगा आपका जो भी जिस तरह का भी सिस्टम होगा उस सिस्टम में अब उस सिस्टम को अगर मैं बात करूं तो वो सिस्टम स्टेबल होगा, ठीक है, या अनस्टेबल होगा। व्हाट इज स्टेबल सिस्टम? स्टेबल सिस्टम क्या होता है जी? स्टेबल सिस्टम एक ऐसा सिस्टम जिसको अगर आप डिस्टर्बेंस अप्लाई करो तो वो वापस अपनी जगह पर आ जाए, मतलब इट रीगेन्स इट्स ओरिजिनल पोजिशन ओरिजिनल स्टेट, ठीक है। स्टेबल सिस्टम दैट इज रीगेन्स इट्स ओरिजिनल प्लेस ओरिजिनल स्टेट। ठीक है जी, ओरिजिनल स्टेट को उसने रीगेन कर लिया, ठीक है। एग्जाम्पल ले लें जी, सिंपल पेंडुलम है, सिंपल पेंडुलम, ठीक है, इसको मैं डिस्टर्बेंस अप्लाई करता हूँ तो क्या होगा, ये इस तरह से ऑसिलेट करता रहेगा और वापस आके अपनी जगह पर थोड़ी देर बाद जितनी भी देर हो सकती है, दैट इज़ इमटेरियल, मतलब ये हम उसके टाइम के हिसाब से बात नहीं कर रहे, लेकिन वो अपनी अपनी स्टेट चेंज करके, यानी कि अगर मैं यहाँ पे एक सिंपल पेंडुलम बनाऊँ तो ये एक पेंडुलम है, इसको अगर मैं यहाँ पर डिस्टर्बेंस लेकर आता हूँ तो दिस इज़ इस डिस्टर्ब प्लेस, दिस इज़ इस स्टेबल प्लेस। तो डिस्टर्बेंस के बाद इसने वापस अपनी ओरिजिनल जगह पर वापस आना है और यहाँ पे अपनी स्टेट को रीगेन कर लेना है, तो
तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे कि ये स्टेबल सिस्टम है। अनस्टेबल सिस्टम क्या होता है? अनस्टेबल सिस्टम होता है कि आपने कोई डिस्टर्बेंस अप्लाई की, ठीक है, जिसमें आपका एक इन्वर्टेड पेंडुलम है, इन्वर्टेड पेंडुलम जी, ठीक है, इन्वर्टेड पेंडुलम को अगर आप देखें तो अगर यहाँ पर ये कार्ट है, इसको इसने होल्ड किया हुआ है, ठीक है, अब इसने अगर इसको होल्ड किया हुआ है तो क्या होगा, अभी ये एक एक क्या कहते हैं स्टेडी स्टेट में मौजूद है, लेकिन अगर मैं इसके ऊपर डिस्टर्बेंस अप्लाई करूँ और डिस्टर्बेंस अप्लाई करने के बाद क्या हो, ये जो भी आपके पास पेंडुलम है ये नीचे गिर जाए, ठीक है, नीचे गिर गया अगर ये, तो क्या हुआ, अब इसने एक नई पोजीशन पे चला गया है। वो नई पोजीशन पे जाने का मतलब क्या है कि इट इज़ नो मोर इन दैट स्टेबल स्टेट जो हमारी पहले डिजायर थी, ठीक है, तो अनस्टेबल सिस्टम हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा और ये सिस्टम जो है वो नीचे गिर जाएगा, ठीक है, ओके। अच्छा, जब भी आप सिस्टम के रिस्पॉन्स देखेंगे तो आपको नज़र आएगा कि आपका सिस्टम जो है वो या तो डैम्प सिस्टम होता है, अंडर डैम्प सिस्टम होता है, अच्छा डैम्प सिस्टम या अनडैम्प सिस्टम, दो तरह के सिस्टम होते हैं जी। जो भी सिस्टम स्टेबल होगा, जो भी सिस्टम स्टेबल होगा वो डैम्प सिस्टम होगा, उसके अंदर डैम्पिंग मौजूद होगी, डैम्पिंग कम ज़्यादा हो सकती है, ठीक है, वो हम आगे चल के बात करेंगे कि डैम्पिंग का मतलब क्या होता है, लेकिन डैम्पिंग कम ज़्यादा हो सकती है। तो डैम्प सिस्टम होता है जिसमें आपके पास क्या होता है, आपका जो भी फ्यूचर रिस्पॉन्स है वो क्या होता जाता है, वो डैम्प आउट होता जाता है, उसकी एम्पलीट्यूड डिक्रीज होती जाती है, स्लो भी हो सकती है, एकदम से जल्दी से भी हो सकती है, ठीक है, जितनी ज़्यादा डैम्पिंग कोफिशेंट या डैम्पिंग की वैल्यू ज़्यादा होगी उतना है ज़्यादा जो है वो आपके पास सिस्टम जो है वो अपनी जो भी दूसरी उसके अंदर ऑसिलेशन है या उसकी ट्रांजिशन है उसको सबसाइड कर देगा। अनडैम्प्ड सिस्टम जो है वो ऐसा सिस्टम होता है जो स्टेबल भी नहीं है, अनस्टेबल भी नहीं है। अनडैम्प्ड सिस्टम की ऑसिलेशन जो है वो क्या होंगी, सस्टेन ऑसिलेशन होगी, कोई डैम्पिंग नहीं होगी जी, ना एम्पलीट्यूड इंक्रीज हो रहा है ना एम्पलीट्यूड डिक्रीज हो रहा है। ये देखें, ये वाला सिस्टम आपका डैम्प सिस्टम है, ठीक है, ये वाला सिस्टम जो है वो आपके पास अनडैम्प्ड सिस्टम है, ठीक है। अगर मैं बात करूं अनस्टेबल सिस्टम की डैम्पिंग की फॉर्म में तो क्या होगा, अनस्टेबल सिस्टम का जो एम्पलीट्यूड है वो क्या होगा, टाइम के साथ साथ इंक्रीज होता जाएगा और वो इतना इंक्रीज हो जाएगा कि आपका सिस्टम जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो ये अनस्टेबल सिस्टम के लिए का रिस्पॉन्स है, ठीक है, अनस्टेबल, ठीक है। तो आपके पास स्टेबल सिस्टम होता है जो कि अपनी ओरिजिनल पोजीशन को रिगेन करेगा, जब भी स्टेबल सिस्टम होगा तो उसका रिस्पॉन्स जो है वो यूजली डैम्प सिस्टम होगा, उसमें और उसकी जो ऑसिलेशन है वो वक्त के साथ साथ टाइम के साथ साथ क्या होती जाएगी, डैम्प आउट होती जाएगी, उसका एम्पलीट्यूड कम होता जाएगा। अगर मैं अनडैम्प सिस्टम की बात करूँ तो उसकी ऑसिलेशन क्या है, उसकी ऑसिलेशन सस्टेन ऑसिलेशन होगी, उसकी ऑसिलेशन इंक्रीज होगी ना डिक्रीज होगी। जबकि जो अनस्टेबल सिस्टम होगा, अनस्टेबल सिस्टम उसके एम्पलीट्यूड आहिस्ता आहिस्ता टाइम के साथ इंक्रीज होती जाएगी, ठीक है। तो देख रहे हैं आप, ये अनस्टेबल सिस्टम है, आहिस्ता आहिस्ता ये इंक्रीज हो रही है, तो ये सिस्टम अनस्टेबल सिस्टम है, ठीक है, ओके। यहाँ पे हम अपना ये वाला लेक्चर जो है वो क्लोज़ करते हैं, इसके बाद जो है वो मैं फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम के बारे में बात करूँगा कि हमारा फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम है उसका रिस्पांस निकालेंगे कैसे, उसकी करेक्टरिस्टिक कैसे होगी, ठीक है। तो हम अपने ये वाला चैप्टर हमारा मेनली जो है वो डिस्कस करेंगे हम, इसमें फर्स्ट एंड सेकेंड ऑर्डर उसका रिस्पॉन्स कैसे निकाला जाता है। इस लेक्चर में अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है, कोई भी प्रॉब्लम है तो डू लेट मी नो। मैं आपका दूसरा लेक्चर जो है वो आज शायद दोबारा ना बनाऊँ, लेकिन कल होपफुली आई विल मेक दिस लेक्चर। अगर आपको इस लेक्चर में कोई सजेशन, कोई चीज़ें ऐड करने करवाना चाहते हो कि सर ये वाला तरीका बेहतर होगा या इस तरह से अगर लेके चलें तो ज़्यादा विजिबल है, ज़्यादा समझ आ रहा है, तो प्लीज़ डू लेट मी नो, तो मैं उसके लिहाज से अपना जो आने वाले लेक्चर हैं उनको जो है वो टेलर कर लूँगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। और आपने जो भी मुझे इसमें फीडबैक देनी है या जो भी सजेशन देनी है तो यू कैन डायरेक्टली व्हाट्सएप मी, डायरेक्टली टू मी, मतलब ज़रूरी नहीं है कि आप CR के थ्रू भेजो, लेकिन अगर आप क्लास में डिस्कस करते हो तो